हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टुडे। और आज मैं आपको बताऊंगी कि पील किया हुआ गार्लिक अब 2 महीनों तक कैसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और काफ़ी ट्रायल एंड एरर के बाद ये नुस्खा मिला है गाइस, तो ये नुस्खे को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपका लहसुन भी 2 महीनों तक अच्छे तरह से स्टोर हो रहा है या नहीं। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 700 से 800 ग्राम जितने छिलके वाले गार्लिक लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, पहले कि ये सारे छिलकों को निकाल देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस, सारे गार्लिक मैंने यहाँ पे पील कर दिए हैं। तो अब हमें इस सारे गार्लिक को एक डब्बे में भर देना है। तो मैंने यहाँ पे एक कांच का डब्बा यूज़ किया है। अगर आपके पास कांच का डब्बा नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक का डब्बा यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें डब्बे के अंदर एक किचन टॉवल को रखना है। अगर आपके पास किचन टॉवल नहीं है तो आप कोई भी न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस सारे पील किए हुए गार्लिक को इस डब्बे में भर देंगे। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि डब्बे की सारी साइड्स आपको किचन टॉवल से कवर करनी है। तो सारे गार्लिक हमने डब्बे में डाल दिए हैं और अब हमें ऊपर के जो गार्लिक है उन्हें भी किचन टॉवल से कवर कर लेना है। तो अब हम यहाँ पे एक और किचन टॉवल लेंगे, इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे। तो किचन टॉवल हमने अच्छे से डाल दिया है इसके ऊपर। अब हम डब्बे को बंद कर देंगे और फ्रिज में रख देंगे। तो 1 महीना हो चुका है गाइस, तो अब हम डब्बे को खोल के देख लेते हैं कि गार्लिक हमारे कैसे हैं। तो आप देख सकते हैं कि गार्लिक हमारे वैसे के वैसे ही है, एक भी गार्लिक ख़राब नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपको आपका किचन टॉवल थोड़ा सा गीला लग रहा है तो आप किचन टॉवल को चेंज कर सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर फिर से किचन टॉवल रखेंगे और इसे अच्छे से कवर करके डब्बे को बंद कर देंगे और फिर फ्रिज में डाल देंगे। अब 1.5 महीना हो चुका है गाइस, मैं यहाँ पे आपको डब्बे को खोल के फिर से बता रही हूँ कि गार्लिक हमारे कैसे है। तो किचन टॉवल को निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं कि गार्लिक हमारे वैसे के वैसे ही है जैसे हमने इसके अंदर डाले थे। अब हम इसे फिर से किचन टॉवल से कवर कर लेंगे और डब्बे को बंद करके फ्रिज में डाल देंगे। तो 2 महीने हमारे पूरे हो चुके हैं गाइस। अब हम डब्बे को फिर से खोल के देख लेते हैं कि गार्लिक हमारे कैसे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, गार्लिक हमारे वैसे के वैसे ही है। तो आप देख सकते हैं कि थोड़े से गार्लिक हमारे ऊपर से उगने लगे हैं, बट स्टिल आप इस ऊपर के भाग को काट के गार्लिक को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो इस गार्लिक को आप 3 महीने तक भी फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, एक भी गार्लिक आपका ख़राब नहीं होगा, सिर्फ ऊपर का जो भाग है वो थोड़ा और ग्रो होने लगेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो गाइस। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस।